हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई विश के सब बढ़िया और अपने अपने घर पे मौज ले रहे हो। तो आज अपन चल रहे हैं अपनी बाइक का फ्रंट टायर चेंज करवाने, जो कि काफ़ी टाइम से चेंज करवाना था हमें। तो चलते हैं एक बार टायर की शॉप पे, वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टायर हैं और जो भी बेस्ट टायर रहेगा अपनी बाइक के लिए वो डलवाते हैं, क्योंकि ये टायर घिस चुका है बिल्कुल। तो ओवरनिंग वगैरह में और बारिश का टाइम है तो प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है इसको चेंज कराए हुए, तो इसको डलवा लेते हैं। अब जो बेस्ट से बेस्ट टायर रहेगा वो डलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टायर बाइक का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ही बाइक में इंजन वगैरह होता है उसी टाइप से। बाकी मौसम भी काफ़ी ठीक हो रहा है और 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त को कुछ करते हैं नया, कहीं की राइड प्लान करते हैं, क्योंकि हर बार हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को कहीं ना कहीं पे जाते हैं राइड पे। तो इस बार भी देखते हैं कहाँ चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम गए थे भानगढ़, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे। और उसके बाद से अपन ने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो चलो भाई, सब टायर डलवा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टायर हैं, आपको भी दिखा देते हैं। तो चलो, टायर की शॉप आ गई। तो यहाँ पे कोई टायर देखते हैं अपनी बाइक के लिए कोई अच्छा सा, उसके बाद अपन डलवाते हैं। Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. तो ये शॉप है और ये आपको मिलेगी यहाँ पे, ये मार्केट है यहाँ का, तो आपको इस पे टायर देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको काफ़ी सही रेट में मिलेंगे, तो यहाँ पे आ सकते हो। और ये नाम है शॉप का, बाकी ऊपर नंबर है तो इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी टायर जंक्शन के नाम से ये शॉप है, हर टाइप के आपको टायर मिल जाएंगे यहाँ पे, जिस कंपनी को आपके चाहिए, और आपको काफ़ी सही रेट पर मिलेंगे यहाँ पर। एक बार तीनों दिखा दो, MRF का भी, अपोलो वाला भी और मिसलिन वाला भी। तो ये है अपोलो 180/17 में, ये मिसलिन 180/17 में। MRF का और दिखा दो, और ये है MRF। और ये है मिसलिन 110/17 में। तो ये सही रहेगा ना, 110 में। इसमें गारंटी आधे माल तक कटने पड़ने की, अच्छा। तो ये है चारों टायर, अब अपन इसमें से डलवाने वाले हैं मिसलिन 110/17 वाला, क्योंकि ये थोड़ा फैट है और सही भी रहेगा, तो यही कर दो आप। तो अब अपना टायर डलने वाला है, देख लो किस टाइप से डल रहा है, उसके बाद आपको दिखाते हैं सीधा फिट होने के बाद, और उसके बाद आपको ग्रिप वगैरह दिखाते हैं उसकी, किस टाइप की ग्रिप है। तो ये एक बार अपने टायर की कंडीशन देख लो आप, बिल्कुल घिस चुका है,
ये पहले मिसलिन का टायर था पायलट वाला, तो अब अपन मिसलिन में डलवाने वाले हैं 110, जो कि पहले 100 था। तो जल्दी से डलवा लेते हैं इसको, उसके बाद मिलते हैं आपसे। Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. आपने देख लिया शॉप और अपना टायर भी डल चुका है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी अंकल मिलेंगे यहाँ पे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा भी है अंकल का, आपको रेट भी काफ़ी सही मिलेगा, तो ठीक है। बाकी आप टायर दिखा देते एक बार, थोड़ा चला के देख लेते हैं। गाड़ी का बैलेंस देखो आप एक बार टायर से, मतलब कितनी लीन कर दी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। भाई साहब भी फुल लीन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहले ये था बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अब देखो। मेरे को तो मतलब इतनी दूर में आपको फ़र्क दिख जाएगा, एक बार आप अगर पुराना टायर आप चेंज करते हो तो आपका फ़र्क वैसे ही दिख जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस बनेगा बाइक का एकदम से। तो हम आ चुके हैं रोड पे अपने न्यू टायर के साथ, तो थोड़ा देखते हैं ग्रिप वगैरह किस टाइप की है। बाकी अपने पास तीन चार ऑप्शन थे, अपन सीएट का डलवा सकते थे, एमआरएफ का डलवा सकते थे, अपोलो का डलवा सकते थे और मिसलिन का डलवा सकते थे। तो अपन ने मिसलिन टायर डलवाया है क्योंकि मिसलिन बेस्ट टायर है अगर हम क्वालिटी की बात करें तो, और अगर ग्रिप की भी बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलेगी आपको। और ये थोड़ा महंगा पड़ा हमें और टायरों से अगर हम कॉस्ट की बात करें, लेकिन अगर सेफ्टी की बात हो तो थोड़े बहुत पैसे नहीं देखने चाहिए हमें। बस मैं इतना ही कहूँगा, काफ़ी अच्छे टायर है, अगर आपको फ्रंट टायर डलवाना है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे पहले मिसलिन था वो पायलट था स्पोर्टी वाला, तो वो इतना अच्छा नहीं था। बाकी ये वाला टायर काफ़ी अच्छा है, अगर हम बाइक में सेफ्टी की बात करें तो चाहे ABS हो, चाहे टायर वगैरह हो, चाहे ब्रेकिंग है, तो हमें इस चीज़ में कॉम्प्रो नहीं करना चाहिए कि हमें हमेशा बाइक के टायर वगैरह एकदम ओके रखने चाहिए। तो टायर आप बढ़िया से बढ़िया डलवाओ जो हो सके, इस चीज़ में आप कॉम्प्रो ना करें क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। तो एक बार दिखा देते हैं आपको अपना टायर, तो ये है अपना बाइक का न्यू टायर, तो दिख रहा होगा आपको काफ़ी सही टायर लग रहा है। तो अपना टायर पुराना हो चुका था, तो उसके बाद बाइक दब भी रही थी थोड़ी और बैलेंस भी नहीं बन रहा था, तो अब बिल्कुल नया टायर हो चुका है। और वैसे भी अब राइड है 15 अगस्त की, तो एकदम बाइक ओके होनी चाहिए। बाकी राइड से आने के बाद हम इसकी एक बार सर्विस वगैरह करा लेंगे, तो एक बार आपको दिखा देते हैं इसके। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा नाम मिसलिन पायलट स्ट्रीट और 110/70/17 में। तो काफ़ी सही टायर लगा मुझे तो, और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2100 रुपये का पड़ा है ये हमें। तो
इतने पैसों में सही टायर है, क्योंकि अगर हम MRF की बात करें, और बाकी इसके साथ साथ हमें इसकी वारंटी भी देखने को मिलेगी हाफ टायर तक अगर कटता फटता है तो। अपन MRF का भी डलवा सकते थे, वो सस्ते थे भी थे इससे, लेकिन भाई ये चीज़ बढ़िया होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे चल जाते हैं ऊपर नीचे। तो अगर आपको फ्रंट टायर चाहिए अपनी किसी भी दोस्ती सी बाइक के लिए, RS, NS, Apache, तो आप ये डलवा सकते हो। और हमने 110/70/70 डलवाया क्योंकि थोड़ा चौड़ा है, तो थोड़ा और ज़्यादा ग्रिप अच्छी होगी बारिश में। तो बस इतना ही था अपनी आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।